बार की बुक क्या है ये? उसका चैप्टर नंबर बेटा है ये 2। तो इसको बेटा आज हम रीड करेंगे। इंग्लिश की आपकी बुक है बेटा, तो सभी बच्चों का ध्यान बेटा स्क्रीन पे। ये बेटा एक छोटी सी बेटा एक स्टोरी है। तो एक बच्चा होता है बेटा इसमें, जो अपने मम्मा पापा के साथ मार्केट में जाता है ना। तो वो क्या क्या चीजें खरीदता है वहां से, क्या क्या लेता है वो, तो वो इस चैप्टर में बेटा बताया गया। तो आज बेटा हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। इट इज संडे मॉर्निंग। तो बेटा संडे का दिन था है ना, तो सुबह सुबह का टाइम था। इट इज अ हॉलीडे फॉर एवरीवन एट होम। तो बेटा ये जो संडे होता है आपको पता ही है, इस दिन सभी को हॉलीडे होती है, सभी लोग घर में होते हैं है ना। तो रमन पेरेंट्स आर गोइंग टू द मार्केट। तो बेटा ये एक लड़का है रमन, ये अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाने वाला था ठीक है। एंड मदर्स, रमन की जो बेटा मम्मी है, मदर रमन, वी आर गोइंग टू द मार्केट। तो उसकी मम्मी क्या बोलते हैं, रमन आज हम मार्केट जाएंगे, डू यू वॉन्ट टू कम विद अस, क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे हमारे साथ। उनके पेरेंट्स बेटा रमन से पूछ रहे हैं कि आज हम मार्केट जाएंगे, क्या रमन आप हमारे साथ जाओगे। तो रमन क्या बोलता है, रमन कहता है यस मदर आई वॉन्ट टू कम विद यू। कहता है यस मम्मा आज मैं आपके साथ जाऊंगा। फादर लेट्स गो बाय कार देन। वो कहते भी, उसके पापा बोलते हैं कि हम किससे जाएंगे, हम कार से जाएंगे, इट विल बी मोर कंफर्टेबल। तो कहते हैं ये हमें जाने में भी कंफर्टेबल रहेगा, हम इसमें कार में आराम से जा पाएंगे ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं बेटा, मदर, उसके मम्मा बोलते हैं दैट इज गुड आइडिया। उनके मम्मा बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है ना। फादर, फादर क्या बोलते हैं, उनके कहते हैं रमन गो एंड चेंज योर क्लोथ क्विकली एंड वियर योर शूज। तो उसके पापा बोलते हैं रमन के, कहते रमन जाओ आप चेंज कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो जल्दी जल्दी से, और अपने शूज भी पहन लो अगर आपने मार्केट जाना है ना। तो रमन कहता आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स पापा। तो रमन बोलता, कहता है पापा मैं बस 5 मिनट में तैयार होके आया। आगे क्या है बेटा, मदर वी हैव टू बाय अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेट्स कैरी अ फ्यू बैग्स, इट विल बी इजी टू ब्रिंग द थिंग्स बैक। तो उसके मम्मा बोलते हैं बेटा वी हैव टू बाय अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, कहते हैं हमने बहुत सारी चीजें खरीदनी है ना, तो लेट्स कैरी अ फ्यू बैग्स, कहते हैं थोड़े से कैरी बैग ले जाओ जिसमें सामान डालते हैं है ना, वो ले जाओ, इट विल बी इजी टू ब्रिंग द थिंग्स बैक। तो वो कहते हैं जो चीजें हम खरीद के लाएंगे तो हमें वापस लाने में इजी हो जाएगा, उठाने में ना इजी हो जाएगा। दे गो बाय कार टू द मार्केट। तो वो इसमें गए बेटा मार्केट में, कार में बैठ के चले गए, जाने लगे ठीक है। आगे ऑन द वे, रस्ते में रमन कहता व्हाट आर वी गोइंग टू बाय। उस रमन बोलता, कहता हम क्या क्या खरीदेंगे वहां से। तो मदर क्या बोलते हैं, मदर उसके बोलते हैं वेजिटेबल्स एंड सम अदर थिंग्स। उसके मम्मा बोलते हैं अभी हम सब्जियां भी खरीदेंगे और कुछ और चीजें भी हैं वो भी हम खरीदेंगे। रमन कहता है विल वी गो टू द बेकरी, क्या रमन बोलता है कि हम बेकरी शॉप पे भी जाएंगे। मदर कहती है सर्टेनली वी कैन बाय सम पेस्ट्रीज एंड बिस्किट्स। उसके मम्मा कहते जरूर, कहते हम वहां से कुछ पेस्ट्रीज भी लेंगे और हम बिस्किट्स भी लेंगे वहां से। आगे देखो एट द वेजिटेबल शॉप। तो बेटा वो कहाँ पे पहुंचे, फिर वो वेजिटेबल शॉप पे पहुंचे जहाँ पे सब्जियां मिलती है बेटा। शॉपकीपर, गुड मॉर्निंग मैम कैन आई हेल्प यू। तो शॉपकीपर जो होता है सब्जी बेचने वाला, वो क्या बोलता, कहता गुड मॉर्निंग मैम, कहते मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसके मदर बोलते कैन आई हैव अ किलो ऑफ फ्रेश पोटैटोज प्लीज। तो उसके मम्मा बोलते, कहते हमें कुछ 1 किलो पोटैटोज, मीन्स क्या होता है बेटा आलू, हमें आलू दे दो। तो शॉपकीपर क्या बोलते हैं, सर्टेनली जरूर जरूर, हेयर यू आर, कहते ये यहाँ पे है, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, कहते वो आपको आपको और कुछ भी चाहिए। तो उसके मम्मा बोलते हैं, मदर कहते हाफ अ किलो ईच ऑफ टमाटोज कैरेट्स एंड बीन्स टू प्लीज। उसके मम्मा बोलते हैं, कहते हमें आधा किलो टमाटर भी चाहिए, गाजर भी चाहिए, बीन्स क्या होती है बेटा फलियां भी चाहिए, तो हमें वो भी आप दे दो। तो रमन क्या बोलता है, रमन कहता ओ आई डू नॉट लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स। तो रमन बोलता है, कहता नहीं मुझे ग्रीन, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है हरी सब्जियां मुझे पसंद नहीं है। तो उसके फादर क्या बोलते हैं, फादर कहते हैं वेल यू शुड ईट देम, दे विल मेक यू टॉल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसके पापा बोलते हैं, कहते ये जो सब्जी है ना, अगर आप इन्हें खाओगे तो आप है ना, आप लंबे भी हो जाओगे, हेल्दी भी हो जाओगे है ना, और आप स्ट्रांग भी बहुत बनोगे अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे।
तो उसके मम्मा क्या बोलते हैं, मदर कहते हैं दैट इज ऑल आई नीड नाउ, हाउ मच इट इज, तो उसके मम्मा बोलते हैं कि मैंने सारी चीजें ले ली है अभी, कितने रुपीज हो गए, उनको बोलते हैं दुकानदार को, है ना, जो वेजिटेबल्स बेचने वाला भाई है, तो शॉपकीपर क्या कहता है, कहता है 50 रुपीज मैम, तो उसके जो शॉपकीपर है वो क्या बोलते हैं, कहता है 50 रुपये हो गए, तो मदर क्या बोलते हैं, हेयर यू आर थैंक्स, तो उसके मम्मा उसको 50 रुपये दे देती है, ठीक है। एट द बेकरी, तो फिर वो द सेकंड शॉप पे कहाँ पे जाते हैं, फिर वो बेकरी शॉप पे जाते हैं बेटा, उसके मम्मा क्या कहते हैं, मदर कैन आई हैव सम ब्रेड प्लीज, तो उसके मम्मा क्या बोलते हैं शॉपकीपर को, कहते हैं क्या ब्रेड है आपके पास, शॉपकीपर क्या कहता है, हियर इज सम फ्रेश ब्रेड फॉर यू मैम, उसके जो शॉपकीपर वो कहता है हाँ जी हमारे पास फ्रेश ब्रेड है, तो मदर क्या बोलते हैं थैंक यू, तो फादर क्या बोलते हैं उसके शैल वी बाय सम बिस्किट्स, तो उसके पापा बोलते हैं रमन के, कहते क्या हम कुछ बिस्किट्स भी ले सकते हैं, तो मदर क्या बोलते हैं यस ऑफ कोर्स, उसके मम्मा बोलते हैं हाँ जी हम ले सकते हैं, अ पैकेट ऑफ क्रीम बिस्किट्स प्लीज, तो वो शॉपकीपर को बोलते हैं, कहते हैं हमें एक पैकेट क्रीम बिस्किट का दे दीजिए, तो रमन क्या बोलता है लुक मदर ही हैज पाइन एप्पल पेस्ट्रीज टू, तो रमन क्या बोलता है, कहते हैं मम्मा देखो यहाँ पे क्या है बेटा पाइन एप्पल वाली पेस्ट्रीज भी है, तो फादर बोलते हैं वेल फाइन 5 pineapple पेस्ट्रीज ऑल्सो, वो कहते हैं उसके पापा बोलते हैं कहते भी 5 pineapple की पेस्ट्रीज भी हमें दे दो। आगे देखो मदर हाउ मच शुड आई पे, तो वो शॉपकीपर को बोलते हैं कि मैं आपको कितने पैसे पे करूं, कितने पैसे दूं आपको, तो शॉपकीपर बोलता है 92 रुपीज मैम, तो शॉपकीपर बोलता है कि आपके 92 रुपीज हो गए हैं, मदर कहते हैं हेयर यू आर, शॉपकीपर कहता है थैंक यू, तो उसके मम्मा उनको पैसे दे देते हैं 92 रुपीज, तो शॉपकीपर उनको थैंक यू बोलता है। रमन आगे रमन क्या कहता है पापा कैन वी हैव आइसक्रीम नाउ, कहते भी हम आइसक्रीम भी ले सकते हैं, रमन बोलता है अपने पापा को, फादर कहता है व्हाई नॉट, कहते क्यों नहीं, Come, let's go and have some ice creams. तो कहते चलो मेरे साथ आज हम ice cream भी खाएंगे। तो रमन क्या बोलते हैं There is a shop on the other side of the road. तो रमन बोलता है कि पापा जो ice cream वाली shop है ना वो दूसरी side पे है, road की दूसरी side पे। तो father क्या बोलते हैं Let's cross the road. Hold my hand, Raman. तो उसके पापा क्या बोलते हैं, कहते चलो हम road cross करेंगे, आप मेरा हाथ पकड़ लो। रमन के पापा रमन को बोलते हैं तो एट माइक्स आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, तो बेटा वो क्या आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं, तो फादर क्या बोलते हैं, कहते रमन कैन आई गेट अ चॉकलेट आइसक्रीम फॉर यू, तो रमन के पापा बोलते हैं कि रमन क्या मैं आपके लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आऊं, तो रमन क्या बोलता है नो पापा आई डू नॉट वॉन्ट अ चॉकलेट आइसक्रीम, आई वॉन्ट अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो रमन क्या बोलता है, कहता नहीं पापा मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम नहीं लेनी, मुझे तो स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम चाहिए, तो फादर्स बाय वन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स एंड 2 chocolate आइसक्रीम्स, दे ऑल ईट आइसक्रीम, तो उसके पापा ने क्या किया बेटा, एक तो स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम ले ली और 2 chocolate वाली आइसक्रीम ले ली और सबने मिलकर आइसक्रीम खाई, तो रमन कहता थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी टू द मार्केट, आई हैड अ लवली टाइम, तो रमन क्या कहता अपने पेरेंट्स को बोलता की थैंक यू वेरी मच, कहते आप मुझे मार्केट लेके आए, मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके दी आपने, है ना, तो आज मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आपके साथ, तो उनके मदर क्या बोलते आई टू इंजॉयड शॉपिंग, तो उसके मम्मा बोलते हैं कि मैंने भी शॉपिंग की, मैंने बहुत इंजॉय किया, तो उसके फादर क्या बोलते हैं आई थिंक इट इज टाइम फॉर लंच, तो उसके पापा बोलते हैं कहते मैं अभी अब लंच का टाइम हो गया दोपहर के खाने का, तो लेट्स गो बैक होम, तो चलो अभी हम घर चलते हैं। तो देखा बेटा ये चैप्टर कितना अच्छा सा छोटा सा चैप्टर था, आप भी जब कभी मार्केट जाते हो अपने मम्मा पापा के साथ, है ना, कितनी चीजें आप है ना खरीद के लेके आते हो, तो इस तरह से रमन भी अपने मम्मा पापा के साथ संडे वाले दिन मार्केट गया, है ना, उसने खूब इंजॉय किया, उसके मम्मा ने शॉपिंग की जो जो चीजें लेनी थी, है ना, तो ये बेटा इस चैप्टर में बताया गया था। आगे बेटा इसकी एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं, तो पहले है बेटा सर्कल सम ऑफ द थिंग्स रमन्स मदर्स बाय फ्रॉम द मार्केट, तो बेटा यहाँ पे हमने वो चीजें सर्कल करनी जो उसके मम्मा ने मार्केट में से खरीदी थी, तो देखो कैरेट्स भी ली थी उसके मम्मा ने, हमने यहाँ पे राउंड लगा दिया, उन्होंने आइसक्रीम भी ली, उन्होंने बिस्किट्स भी ली, उन्होंने अनियंस नहीं लिए, है ना, ना केक्स लिए, उन्होंने पोटैटोज लिए थे, कैबेज भी नहीं ली, ठीक है, और उन्होंने एक ब्रेड भी ली थी, बेटा यहाँ पे भी राउंड लगा देना एक ब्रेड भी आएगा। सबसे पहले जब बेकरी शॉप पे गए तो उनके मम्मा ने ब्रेड मांगी थी ना, तो ब्रेड के ऊपर भी राउंड लगा देना। आगे टोमेटोज भी लिए उन्होंने, पेस्ट्रीज भी ली, बनाना नहीं लिए उन्होंने, बीन्स ली थी, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा इनके ऊपर आपने जो जो चीजें उन्होंने मार्केट में से खरीदी थी उनके ऊपर आपने क्या कर देना, उनके ऊपर राउंड लगा देना।
नेक्स्ट है बेटा कंप्लीट द आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर्स है बेटा। वेयर डिड रमन एंड हिज पेरेंट्स गो, तो बेटा रमन और उनके पेरेंट्स कहाँ पे गए थे, दे वेंट टू द मार्केट, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे बेटा, द मार्केट। नेक्स्ट है बेटा हाउ विल रमन एंड हिज पेरेंट्स गो देयर, तो बेटा रमन और उनके पेरेंट्स कैसे गए थे, दे वेंट बाय कार, तो बेटा किससे गए थे वो बेटा, कार से गए थे, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे बच्चे, बाय कार। आगे बेटा विच शॉप डिड दे गो टू फर्स्ट, तो सबसे पहले बेटा वो कौन सी शॉप पे गए थे, दे वेंट टू द वेजिटेबल शॉप फर्स्ट, तो सबसे पहले बेटा वो कहाँ पे गए थे, वेजिटेबल शॉप के ऊपर गए थे, है ना। नेक्स्ट है बेटा हाउ मच डिड रमन्स मदर पे एट द बेकरी, तो बेटा जब रमन के मम्मा बेकरी शॉप पे गए थे तो उन्होंने कितने रुपीज दिए थे उनको, तो शी पेड 92 रुपीज, तो कितने रुपीज दिए थे बेटा उन्होंने, 92 रुपीज। नेक्स्ट है बेटा डिड द फैमिली एंजॉय शॉपिंग, के बेटा सभी जो फैमिली थी उनकी सबने एंजॉय किया शॉपिंग का, यस दे डिड, हाँ जी उन्होंने एंजॉय किया था। नेक्स्ट है बेटा व्हाट डिड फादर से टू रमन एट द वेजिटेबल शॉप, तो बेटा जो रमन के फादर थे उन्होंने वेजिटेबल शॉप पे रमन को क्या बोला था, उन्होंने उन्होंने कहा था बेटा फादर सेड दैट ग्रीन वेजिटेबल्स वुड मेक रमन टॉल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने रमन को बोला था जो ग्रीन वेजिटेबल्स है रमन को क्या बनाएगी, उनको वो टॉल बनाएगी, हेल्दी बनाएगी एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट बेटा एक लास्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है तो आप यहाँ पे फिल कर लेना बेटा, व्हाट डिड रमन ईट, तो रमन ने क्या खाया था बेटा, ही एट एन आइसक्रीम, रमन ने क्या खाया था बच्चे, एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे आप फिल करोगे एन आइसक्रीम। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स, तो बेटा यहाँ पे वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है उनको हमने फिल करने, देखो सबसे पहले है बेटा कैबेज, आप यहाँ पे फिल करोगे ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे ई, सी ए डबल बी ए जी ई, कैबेज। नेक्स्ट है बेटा ये कुकम्बर, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, सी यू सी यू एम बी ई आर, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कुकम्बर। नेक्स्ट है बेटा पोटैटो, तो यहाँ पे आप फिल करोगे पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो। नेक्स्ट है बच्चे ये कौन सी वेजिटेबल है, ये है पंपकिन, तो यहाँ पे आप फिल करोगे बेटा पी यू एम पी पंप के आई एन किन, पंपकिन। नेक्स्ट है बेटा टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो। नेक्स्ट है बेटा कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट। नेक्स्ट है बेटा अनियन, ओ एन आई ओ एन, अनियन। नेक्स्ट है बेटा लेमन, एल ई एम ओ एन, लेमन। तो ये सारी बेटा क्या थी, ये वेजिटेबल्स, ठीक है इसको आपने फिल कर लेना है। नेक्स्ट है बेटा रीड द फॉलोइंग च वर्ड्स अलाउड, तो बेटा ये च वर्ड्स है आपने इनको रीड करना है, जैसे च वर्ड, जैसे ये चिन, चीज, चेन्स, चीप, चार्ट, ठीक है ये फर्स्ट में बेटा सी एच लगा हुआ है, ये च वर्ड्स है, और ये लास्ट में बेटा सी एच, इसके लास्ट में लगा हुआ है सी एच, आपने बेटा इनको रीड जरूर करना है, जैसे आप वो करते हैं ना वॉवल्स करते हो, है ना, ए साउंड्स वर्ड, ई साउंड्स वर्ड, है ना, तो इस तरह से बेटा ये च वर्ड्स है, ये है रिच, ब्रांच, मैच, लंच एंड बेंच। ठीक है बेटा, आगे बेटा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एस विद द वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स, तो बेटा देखो ये जो आपको ब्रैकेट्स में बेटा जो जो वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनके साथ एस यूज करनी है, एस लगाना है, ठीक है यहाँ पे कॉमा लगा के बेटा आपने यहाँ पे एस लगानी है, यहाँ पे कॉमा जरूर लगा देना बेटा, जैसे ये लगा हुआ है यूजिंग एस, जैसे मदर्स बाय शुगर फ्रॉम द डैश शॉप, तो यहाँ पे बेटा आएगा ग्रॉसर्स, यहाँ पे कॉमा जरूर लगा देना, ग्रॉसर शॉप। ठीक है, तो क्या था बेटा जो मदर थी उन्होंने जो शुगर खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है, ग्रॉसर्स की शॉप से। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वी बाय मेडिसिन फ्रॉम अ डैश शॉप, तो यहाँ पे बेटा केमिस्ट लिखा तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के ऐसे लिखोगे केमिस्ट शॉप। ठीक है, वी बाय मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। नेक्स्ट है बेटा नदीरा कैप्ट डैश बैग इन द बेडरूम, तो यहाँ पे मदर लिखा तो यहाँ पे कॉमा लगा के आपने एस लगा देना, नदीरा कैप्ट मदर्स बैग इन द बेडरूम। नेक्स्ट है बच्चे द डैश स्कूल बैग इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट कैरी इट, तो यहाँ पे बॉय है बेटा तो यहाँ पे कॉमा लगा के बॉयज बन जाएगा,
द बॉय स्कूल बैग इज वेरी हैवी एंड ही कैन नॉट कैरी इट. ठीक है, तो ये फिलअप्स है बेटा, आपने ये कर लेने हैं. आगे बेटा हमने हैज हैव यूज करने, ये ग्रामर वर्क है बेटा. ठीक है, तो हम कहाँ पे लगाएंगे, हैज कहाँ पे यूज होता है, हैव कहाँ पे यूज होता है, वो हम देखेंगे. तो वी हैव, वी यूज हैव विद द आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन पर्सन और थिंग. तो बेटा हमने हैव कहाँ पे यूज करना है, जिसके साथ आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा एंड मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव. एंड वी यूज हैज विद, ठीक है, हैज कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे ही होगा, शी होगा और एनी वन पर्सन और थिंग होगा, एक ही पर्सन के लिए, और ही शी जहाँ पे लगा होगा वहां पे हम हैज यूज करेंगे. जैसे देखो बेटा ये लिखा हुआ है, अ बर्ड टू विंग्स, अ बर्ड एक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव, अ बर्ड हैव टू विंग्स. नेक्स्ट है बेटा वी, यहाँ पे वी आ गया ना, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, हैव. वी हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टूडे. नेक्स्ट है बेटा आई, तो आई के साथ भी हमने देखा था हैव यूज होगा, आई हैव मैनी फ्रेंड. नेक्स्ट है बेटा जॉन, ठीक है, ये तो एक है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जॉन हैज अ बेबी ब्रदर. नेक्स्ट है बेटा अली, ठीक है, तो अली भी एक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, तो यहाँ पे भी बेटा हैज ही आएगा, अली हैज कर्ली हेयर. ठीक है, तो आगे है बेटा वन पर्सन के लिए हैज यूज होगा, हाँ जी, तो यहाँ पे हैज आएगा बेटा, आप यहाँ पे हैज के ऊपर राउंड लगा देना, अली हैज कर्ली हेयर. नेक्स्ट है बेटा रीता एंड एन हैव या हैज ब्यूटीफुल डॉल, तो यहाँ पे बेटा दो पर्सन है ना, एक से ज्यादा वाले जो पर्सन है उनके लिए क्या यूज होता है, यहाँ पे हैव होगा बेटा, यहाँ पे रीटा एंड एन एन हैव ब्यूटीफुल डॉल्स, तो यहाँ पे भी बेटा हैव यूज होगा. ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है, चैप्टर रीड की है. आपने भी बेटा इसको एक बार दोबारा से रीड कर लेना चैप्टर को, ठीक है, इसकी ट्रांसलेट करनी है बेटा इसको, और जो इसका वर्क है बेटा बुक वर्क के ऊपर कर लेना, जो बुक वर्क है, और जो बेटा जो इसके क्वेश्चन आंसर है ये वाले आप बुक पे भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स पे भी करना है बेटा, और जो न्यू वर्ड्स मैं सेंड करूंगी वो भी आपने अपनी इंग्लिश रीडर की नोटबुक के ऊपर करना है. ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर बेटा सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बताओ बेटा सभी बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया ये? यस मैम.